राजस्थान रोडवेज की मुख्य समस्या कर्मचारियों और पेंशनधारियों को समय पर वेतन नहीं देने की है। इस समस्या के साथ और भी कई समस्याएं हैं। आइए देखते हैं इन समस्याओं को और विचार करते हैं समाधान पर। आज राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की मुख्य समस्या निगम के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने की है। यह समस्या वर्तमान कर्मचारियों के साथ साथ रोडवेज के पेंशनधारियों के लिए भी बनी हुई है। हर 5 साल बाद एक सरकार आती है और दूसरी चली जाती है, लेकिन निगम की समस्या जस की तस बनी हुई है। फंड के अभाव में निगम के बेड़े में भी वृद्धि नहीं हो पा रही, जिससे जनता को नकारा एवं सीमित बसों में यात्रा करने पर विवश होना पड़ रहा है। निगम मुख्यालय के बगल में स्थित वैशाली नगर आगार में सभी आगारों की और मुख्यालय स्टाफ कार, बोलेरो, जीपें और अन्य वाहन कंडम हो रहे हैं। इसके साथ ही निगम की नई बसें ठीक करने के बजाय कंडम स्थिति में पटक दी गई हैं। इन वाहनों की समय पर नीलामी नहीं करना भी व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। रोडवेज में घाटे का मुख्य कारण कुप्रबंधन एवं अधिकारियों द्वारा समय पर उचित निर्णय नहीं लेना भी है। इस विषय को लेकर आगार स्थित प्रभारी महिला अधिकारी से बात करना चाहा तो इस समस्या के बारे में बताने से उन्होंने साफ मना कर दिया। निगम की टपकती बसें और टूटे फूटे पायदान यात्रियों का विश्वास खो रहे हैं। वैशाली नगर आगार में लाखों रुपए खर्च कर फर्श तैयार कराया गया और पानी के निकलने की व्यवस्था की। उसके बाद भी जिस तरह से आगार में जल प्लावन हो गया, वह न केवल आगार के लिए अपितु काम करने वाले कर्मचारियों के लिए समस्या बन गया। क्या कहते हैं इस विषय को लेकर यूनियन के पदाधिकारी नारायण सिंह? देखिए साहब, राजस्थान जो रोडवेज डिपार्टमेंट है, ये ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें नगद का पैसा सिर्फ उधार का लेना देना नहीं, और उसके बावजूद भी घाटा। तो ये जो घाटे का मुख्य कारण है वो भ्रष्टाचार और यहाँ के अधिकारियों का कुप्रबंधन है। आज ये इतनी जो गाड़ियाँ ये स्टाफ कार सेक्शन के नाम से खड़ी है, ये 5-6 साल से खड़ी हुई है गाड़ियाँ, ये बड़ी बड़ी गल रही है। अगर ये टाइम से नीलाम हो जाती तो पैसा आता, अब इनका कुछ भी नहीं बल्कि उठाने का इनको चार्जिंग और देना पड़ेगा, ये हालात हो रही है। तो इसके लिए जो रोडवेज प्रबंधन है उनका कुप्रबंधन और वो जवाबदार है। ये पूरे राजस्थान से सब विंग बनी हुई है तो वो यहीं आती है, हर डिपो की गाड़ियाँ हैं। जब नई गाड़ियाँ अलर्ट हो जाती है, पुरानी गाड़ियाँ यहीं आके खड़ी हो जाती हैं, पर इनको टाइम से निलाम करने का जो काम रोडवेज प्रशासन को करना चाहिए था वो नहीं करना और किया गया, और इसकी वजह से आज ये हालात है। कई बार कहा था पर ये यहाँ का मैनेजमेंट सुनने को तैयार नहीं है। इस व्यवस्था और समस्या को लेकर न केवल एक अपितु सभी कर्मचारी और पदाधिकारी परेशान हैं। क्या कहते हैं अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी समस्याओं के बारे में? समय पर पैसा नहीं मिल रहा है, दिक्कत तो आ ही रही है समय से। अब क्या करें, अब आदमी बच्चा बच्ची सब जानों के सारा टारगेट ही बिगड़ा पड़ा है। तनख्वाह मिली कौन रही, मैं तो आज क्या 10 महीने हो गए, मैं तो आज क्यों को लगी पैर में लगी, जो पैर के चक्कर में आज करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, दुनिया भर के काई हो रहा था। सब कर्मचारी बेचारा मेहनत से लग रहा थे, फिर भी मैं जो टाइम पर तनख्वाह को नहीं मिल रही हूँ। अब पीछे साहब मजदूरी छोड़ा छोड़ी नहीं, 1 महीना गया 2 महीना में काई करे साहब, अब कब तक पैसा नहीं मिला, क्या है क्या नहीं है, सब हास्ती ऐसे कोई आस आवे भगवान आवे कोई पैसा आवे जब जाके हास्ती करके बैठे रहते हैं। अब परचून वाले को क्या कहें मैं, दूध वाले को क्या कहें मैं, किराए वाले को क्या कहें मैं, कहीं क्या दे, सब बात खराब हो रही है सारी चारों तरफ से। एक तो ये यहाँ का जो मैनेजमेंट है उसकी कुप्रबंधन के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोडवेज में घाटा हो रहा है, और तनख्वाहें समय पे नहीं मिल रही है, न पेंशन टाइम पे मिल रही। कारण क्या है, कई दिनों से हमारे कम से कम 5 साल हो गई होगी ये जो बोलेरो वगैरह यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी है, वो यहाँ पर अगर उनको सही समय पर ऑक्शन कर दिया जाता तो आज कम से कम लाखों रुपये का रोडवेज को फ़ायदा होता। उसकी वजह से आज ये हज़ारों गाड़ियाँ हमारे मतलब CWS अजमेर में खड़ी है,
उनको अगर सही समय पे या उस कंडीशन में मतलब उनको रिपेयर करने की भी हमारे को सरकार आदेश प्रदान करती है कि भाई 3-4 हज़ार गाड़ियों में से अगर 2 हज़ार गाड़ी भी तैयार हो जाती हो सकती है हमारी, अगर उसमें आप कुछ अनुदान सरकार की तरफ से मिल जाए और ये अगर रोडियाँ रोडवेज को उनको लो कॉस्ट बॉडी बना करके और हमारे मैकेनिक हो या चाहे बाहर बाजार से करवा करके उनको सही संचालित कर दी जाती है तो रोडवेज में कम से कम 2 हज़ार तो गाड़ियाँ बढ़ सकती है। नई गाड़ियाँ अगर और मिल जाती है तो रोडवेज के कर्मचारियों की और रोडवेज की सब समय पर लय बन जाएगी। पानी बढ़ जाता है यहाँ पर, जो शुरुआत में ही ये फर्श बनने लगा था पहले जो यहाँ पर हुआ था उस समय हमने वहाँ पर बहुत ऑब्जेक्शन किया था। मेरे बाहर मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ और इलेक्ट्रिशियन के बाहर ही मतलब हमारे वो एक चैम्बर बनाया हुआ था, उस चैम्बर में से पानी नहीं निकल रहा था, मैं उसमें फर्श तक भी नहीं बनाया, मैंने ऑब्जेक्शन करके और व्हाट्सएप पे भी डाला फिर परंतु इसमें कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया और ठेकेदार ने और मिली भगत से मिलकर कर ये सारा हो गया काम। और उसमें नीचे आज भी अगर उसको खुद आकर के चेक किया जाए तो उसमें नीचे फर्श भी नहीं है और वो पूरा पानी कचरा वहाँ भर भर करके पूरा पानी नाला जाम हो जाता है, पानी पास ही नहीं होता है और पूरी बरसात में 1 इंच जगह नहीं रहती है कि कोई मैकेनिक कहीं सही जगह बैठ के काम किया जा सके। जिस तरीके की स्थिति अभी आप लोगों ने देखी है उसमें पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध हैं और उसके बावजूद कुछ गाड़ियां जिन्हें कंडम घोषित करके निगम अपनी आय में वृद्धि कर सकता है उन्हें समय पर कंडम नहीं करके एक तरीके से टालम टोल का रवैया एक दूसरे के ऊपर डालना कौन काम करेगा, उदासीनता जो उन्होंने अपनाई है उसके कारण इतनी बड़ी संख्या में बोलेरो वाहनें व बसें जो कंडम होके अब तक नीलाम हो जानी चाहिए थी वो अब तक नीलाम नहीं हुई है, उससे लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान तो रोडवेज को हुआ ही है, प्लस उन वाहनों से सामान चोरी होने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। अब इसके अतिरिक्त जैसे हम बात करें रोडवेज के आय व्यय के बारे में, तो जब तक नई वाहनें सरकार द्वारा मदद नहीं की जाएगी, नई भर्ती नहीं की जाएगी, ये प्रक्रिया इसी तरह लगातार चलती रहेंगी, हर माह बसें कंडम होती जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी, किन्हीं बसों की छत टपक रही है, किसी का फर्श नहीं है, लकड़ियों के पट्टे लगा लगा के आप बसों को चला रहे हैं, छतों पे कैसे तैसे जुगाड़ करके आप उन छतों को कर रहे हैं, अब बारिश का मौसम चल रहा है लगातार उनकी छतें डैमेज है, जब सरकार पैसा ही नहीं दे पा रही है उनको तो उनको सुधारा किस प्रकार जाएगा। जल्दी राज्य सरकार को इस मामले में बड़ा निर्णय लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने होंगे तथा आर्थिक मदद भी करनी होगी। यहाँ बरसात आती है तो बरसात में बिल्कुल पानी जैसे तालाब भरता है वैसे भर जाता है और बराबर निकास नहीं होता इसका। ये इतनी पुरानी गाड़ियाँ खड़ी सी क्या कहेंगे? ये वैसे टाइम टू टाइम नीलाम होनी चाहिए लेकिन ये प्रशासन की एक कमी है जो इन्होंने टाइम से निर्माण नहीं करके इन्होंने कंडम स्थिति में ला करके रख दिया इनको, एक रोडवेज का नुकसान है। जिस तरह से राजस्थान रोडवेज घाटे में है और घाटे के साथ साथ कर्मचारियों का वेतन और पेंशन समय पर नहीं दे पा रही वह चिंता के साथ ही गंभीर विषय है। निगम स्वपोषित विभाग है, इस विभाग के कर्मचारियों द्वारा कार्य करके इनकम पैदा की जाती है, इसके बावजूद भी घाटे में रहना और कर्मचारियों का समस्याओं से जूझना बहुत गंभीर है। समय पर निर्णय लेकर सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि राजस्थान सरकार का यह निगम रसातल में पहुंचने से बच सके। देश को रेल की नई सौगात, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना कर इलेक्ट्रिक वाहनों की राह की आसान, प्रदूषण जांच केंद्रों को ऑनलाइन कर प्रदूषित वाहनों की हुई मॉनिटरिंग, पर्यावरण और चिकित्सा के क्षेत्र में रेल का अहम योगदान, ऑक्सीजन गैस प्लांटों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान, विकास और सहभागिता में अग्रणी, भारत सरकार और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित, रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें पारिक अशोक 08@gmail.com 9829531521।